फ्रॉम द वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है ग्रेट कली अपने जीवन के ये रहस्य आखिर क्यों छुपाते हैं, द ग्रेट कली बायोग्राफी। वाह वाह वाह, मौसम। अरे यार मुश्किल होता है थोड़ा यार ट्रांसलेट करके पढ़ना। आजकल मौसम कोशिश कर रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करूं, ट्रांसलेटर को यूज कर। बिल्कुल सही बात है। ये चीज मैं मानती हूँ कि मौसम की हिंदी मेरे से बहुत अच्छी हुई हुई है। और अभी हम घर पे भी अगर एक दूसरे से बात करते हैं ना तो समटाइम्स वी यूज। अच्छा मैं बीच में कहीं लफ्ज बोल दूं ना ये हंसने लग पड़ती है। यार नहीं, मैं पता है कब हंसती हूँ, जब मुझे बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ये वर्ड बोल देता है ना तो फिर मुझे हंसी आ जाती है। मतलब कि ये क्या, मतलब मैंने सोचा भी नहीं है और ऐसा ही होता है। बिल्कुल। लेकिन ये वाकई में मौसम की डिक्शनरी में काफी अच्छे हिंदी के वर्ड्स आ चुके हैं। अभी मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे अभी गिने चुने आते हैं। बिल्कुल। एनीवे अभी देख लेते हैं वीडियो। खली के बारे में हम सब जानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जानते, बस उनको यही जानते कि वो एक रेस्लर है। बिल्कुल। और इसके अलावा उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अभी वीडियो देखेंगे। और उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस कि हम लोगों को कैसा लगा था मेरे साथ मौत वीडियो। स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रेट खली की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें शायद ही कुछ लोग जानते हों। दुनिया भर में द ग्रेट खली के नाम से मशहूर इंडियन रेसलर का असली नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनका असली नाम दलीप सिंह राणा है। दलीप सिंह राणा रेसलिंग में आने से पहले पंजाब पुलिस में थे। इनका सीना 63 इंच है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनकी हाइट 7 फीट 1 इंच है और इनका वेट 157 किलोग्राम है। जाहिर सी बात है कि जिसकी हाइट और वेट इतना ज्यादा हो तो उसकी खाने की खुराक भी ज्यादा ही होगी। WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि वो डेली लगभग 500 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 3 किलोग्राम चिकन और 30 रोटियां खाते हैं। और इसके अलावा वो 5 लीटर दूध भी पीते हैं। शराब बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। और डोपिंग यानी ड्रग्स लेकर फाइट करने के मामले में भी इनका रिकॉर्ड बेहद साफ सुथरा है। शराब और ड्रग्स तो बहुत बड़ी चीज हो गई, इन्होंने कभी स्मोकिंग भी नहीं की है। दलीप सिंह राणा का नाम द ग्रेट खली हिंदू देवी माता काली के नाम पर पड़ा है जो आंतरिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। खली दुनिया भर में रेसलिंग के सबसे लंबे खिलाड़ी हैं और ये अपनी हाइट की वजह से ही हमेशा दूसरे रेसलर्स पर भारी पड़ते हैं। देखो बच्चे लग रहे हैं। एक किसान थे और अपने पिता के साथ खेती किया करते थे, लेकिन पहली बार 7 अक्टूबर सन 2000 को यानी आज से लगभग 19 साल पहले उन्होंने प्रो रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था। खली सामान्य शरीर के मालिक नहीं है और यही वजह है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं है। खली बचपन से ही एक्रोमेगली नाम की बीमारी से पीड़ित है जिसकी वजह से उनका शरीर असाधारण तरीके से भीमकाय है। इसी रोग की वजह से उनका चेहरा अजीब सा दिखता है और आवाज भी अजीब सी लगती है। ये बीमारी उनके परिवार में सिर्फ उन्हीं को है, इसीलिए उनके परिवार में बाकी सभी लोगों की कद काठी सामान्य है। खली किशोर अवस्था से ही इस बीमारी की वजह से अपने भारी भरकम शरीर से परेशान रहे हैं और खली ने ये स्वीकार भी किया है कि अपनी कद काठी से पहले उन्हें बेहद शर्म आती थी। खली पंजाब पुलिस में रहते हुए बॉडी बिल्डिंग किया करते थे और इसी कारण से वो 1997 और 1998 के मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। खली बताते हैं कि उन्हें अपने कैरियर के शुरुआत में पैसों की काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन आज वो रेसलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं और उनके पास दौलत की भी कोई कमी नहीं है। खली भले ही अमेरिका जाकर बेहद मशहूर हो गए हों, लेकिन वो अपने गांव को आज भी नहीं भूले हैं और गांव के विकास के लिए वो पैसे दान करते रहते हैं। भले ही खली आज एक इंटरनेशनल स्टार है, लेकिन कभी वो समय भी था जब वो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ा करते थे और इसी दौरान पुलिस ऑफिसर NS भुल्लर की नजर उन पर पड़ी थी और वो पंजाब पुलिस में भुल्लर के कहने पर ही आए थे। ग्रेट खली की मार में इतना दम है कि साल 2001 में ब्रायन ओंग नाम के एक रेसलर के साथ मैच में जब खली ने उन्हें उठाकर पटका तो ब्रायन ओंग की मौके पर ही मौत हो गई थी।
जिस पर ओंग के परिवार वालों को उस प्रमोशनल इवेंट कंपनी ने 1.3 मिलियन डॉलर का मुआवजा दिया था। अंडरटेकर के कैरियर का सबसे खतरनाक मैच 2006 में खली के साथ रहा था। इस फाइट के लिए ग्रेट खली ने अंडरटेकर को चैलेंज कर पीटा था। साल 2007-08 में खली ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस दौरान उन्होंने शॉन माइकल के साथ साथ कई पहलवानों को हराया। अंडरटेकर के अलावा खली का मुकाबला कई और बड़े पहलवानों जैसे जॉन सीना, केन, बिग शो आदि के साथ हो चुका है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि खली विकलांगों की श्रेणी में आते हैं और यही कारण है 2009 के पैरा ओलंपिक में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आज खली को लोग सिर्फ एक रेसलर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक्टर के तौर पर भी जानते हैं। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में बतौर एक्टर काम कर चुके हैं। खली बॉलीवुड फिल्म कुश्ती और रामा द सेवियर में एक्टिंग कर चुके हैं और ये हॉलीवुड फिल्म द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट और मैक ग्रबर जैसी फिल्मों में भी अपनी चमक बिखेर चुके हैं। इसके अलावा ये बिग बॉस के सीजन 4 में भी भाग ले चुके हैं। साल 2012 में ऑपरेशन कराने के लिए खली ने रेसलिंग को अलविदा कह दिया था और इस समय वो भारत में ही रहकर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वो जल्द ही रिंग में वापसी करने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि खली कितनी जल्दी रिंग में वापसी करते हैं। दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। दी ग्रेट खली की बात करें तो मैं काफी देर पहले जब मुझे रेसलिंग देखने का शौक होता था तो मैंने काफी ज्यादा इनके जो है वो जो रिंग में आके खेलते थे रेसलिंग खेलते मैंने काफी ज्यादा देखी हुई है। मुझे जो है ना उस टाइम तीन चार लोग थे वो बहुत पसंद थे। एक दी ग्रेट खली अच्छे लगते थे, बिग शो बहुत अच्छा लगता था, अंडरटेकर बहुत अच्छे लगते थे और अंडरटेकर बहुत खौफनाक लगते थे। खौफनाक तो वो लगते थे, खौफनाक तो वो लगते थे ना, वो कभी कभी कॉफिन में आते थे, कभी कभी डेथ स्टेज पे निकल आते थे, पता नहीं कहाँ से आते थे। हाँ, और जॉन सीना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जॉन सीना हाँ, मुझे कैसे रॉक अच्छे लगते, वो तो मूवीज में आते हैं ना। वैसे हैंडसम कूल डूड लगते थे मुझे उस टाइम पर ना। वैसे खली की बात करें तो इन्होंने भी अब जो है कुछ मूवीज में ये जैसे उसमें बताए आए हैं तो इनका जो है करियर बहुत अच्छा रहा है। और इनकी जो अगर हाइट की बात करें ना तो बाकी जैसे वीडियो देखते हैं ना सब इनके आगे बच्चे ही लग रहे थे। 7 feet 1 inch इनकी हाइट है और 65 inch का सीना है जो दुनिया में एक इंसान का है, और वो किसका? द ग्रेट खली। सच? हाँ, उन्होंने बोला अच्छा? बीच में हाँ। और अगर हम बात करें इनके वेट की 157 kg और जिस तरह वो खाते हैं माशाल्लाह उनकी खुराक भी बहुत अच्छी है। रोटियां 30 रोटियां, 5 लीटर दूध, 3 किलो चिकन और 500 ग्राम जो है वो नट्स जो है खाते हैं तो माशाल्लाह सबसे इनका वजन भी बहुत अच्छा है। मौसम तो बस सूंघ ही सकता है इनके मुकाबले में। मौसम खाना ज्यादा नहीं, मैं नहीं खाता। बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात है, मौसम उनकी लाइफ में जितनी स्ट्रगल हम लोगों ने देखी है मैं भी यही बात करने लगा था, वो कम नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान एक मुकाम तक पहुंचे तो उसके पीछे एक स्टोरी है, उसकी स्ट्रगल है। हम लोग तो बस वो बोलते हैं ना, वो प्रोडक्ट जब रेडी हो जाता है हम तब देखते हैं, उसके पीछे वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोगों का पता नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर हम बात करें इनकी लाइफ की जो हमने अभी देखा, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने अपने वालिद के साथ जो है खेतों में काम करना शुरू किया, उससे पहले जो उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला था वो उनकी हाइट को लेके था। और नॉर्मली हमारे यहाँ पे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हो और बहुत कम हो दोनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे उन्होंने रोड पे जो है जो पत्थर डालते हैं उन्हें तोड़ते हैं, फिर वो काम भी किया, फिर वहां से पंजाब पुलिस में आए, पंजाब पुलिस में आके उन्होंने फिर उसके बाद रेसलिंग में आए। तो काफी ज्यादा स्ट्रगल रही है उनकी जिंदगी में। लेकिन अगर देखा जाए उनके बाद वाली जिंदगी, जब वो रेसलिंग में आए हैं तो उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल की है अपना नाम बनाने के लिए। वरना रेसलिंग की दुनिया में भी बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन अपना नाम नहीं बना सकते। लेकिन मौजूद एक चीज ये देखो कि जितनी भी इनकी स्ट्रगल रही है, मतलब इतनी ज्यादा कठिनाइयां उनकी लाइफ में आई हैं, फिर उसके बाद जो उनको एक प्रॉब्लम हेल्थ इशू भी है, तो
तो उसके साथ भी मैनेज करना और अपने आप को इतना इनकरेज करना कि आप लाइफ में कुछ करो, इट्स नॉट ईजी. क्योंकि जब आप यू नो आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग अपनी लाइफ में ना डिप्रेशन फेज में चले जाते हैं या फिर वो जिंदगी में आगे कुछ और सोच ही नहीं पाते, उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते. लेकिन जो लोग इस चीज से बाहर निकल आते हैं, जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो मैं ये बात बोलूंगी कि इसमें इनका मतलब मेंटली ये पता चलता है कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग है और वो लाइफ में उनको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली उन्होंने उनका भरपूर अच्छे तरीके से फायदा उठाया है. बिल्कुल. और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके जो है रिंग में, वैसे तो इनका जो असल नाम है वो दिलीप सिंह राणा है, लेकिन अगर रिंग में बात करें तो इन्हें जो है दिलीप सिंह के नाम से जाना जाता है, साथ में जायंट सिंह के नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेट खली तो हम जानते हैं, वो तो हम जानते हैं. और अगर हम बात करें इनकी कि कब पैदा हुई थी, 27 अगस्त 1972 में पैदा हुई है, यानी कि अभी इनकी एज है 47. और हिमाचल प्रदेश में इनकी जो है बर्थ प्लेस इनकी हिमाचल प्रदेश है, अभी इनकी रेजिडेंस यूनाइटेड स्टेट्स में है. बिल्कुल, होस्टन. अभी की अगर हम बात करें, होस्टन टेक्सास में रह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. और अगर यहाँ पे एक और चीज मैं बात करूँ तो इन्हें जो है टाइटल जाता है फर्स्ट WWE चैंपियन प्लस रेसलर ऑफ द इंडिया. वाओ, और WWE की हिस्ट्री में फर्स्ट इंडियन है. बिल्कुल. अच्छा, वैसे ना मुझे एक चीज बड़ी मतलब वो लगी कि जिस तरीके से इन्होंने चैलेंजेस लिए ना, मतलब रिंग में उनके साथ अभी जो क्या नाम थे उनका मैंने बता रही थी, अंडरटेकर के साथ. सीरियसली, अंडरटेकर को हराना कोई आसान काम तो नहीं था. अंडरटेकर को वो गिराते थे फिर उसके साथ वो दोबारा से उठ जाते थे. और बिग शो जिस पर बैठते थे वो फिर बैठ ही जाता था. लेकिन और केन, हाँ केन भी मुझे बहुत हॉरर यार, वो ज्यादा खौफनाक लगते थे सच में. डर, हम छोटे होते थे ना उस टाइम पर, तो हम देखते थे ना तो हमें बड़ा डर लगता था. मुझे इन दो लोगों से वैसे लगता था इन लोगों की एंट्री. और मुझे जैसे याद है हम सारे एक चैनल था STN पर, मेरे हाल में ये लगती होती थी STN स्टार स्पोर्ट्स, जी नहीं STN स्पोर्ट्स या NTN, इस पे भी लगा करती थी. तो हम लोग मतलब मेरी अम्मी भी बड़े शौक से देखा करती थी, हम सारे बैठ कर देखते थे, मजा आ रहा था उसे देखने का. लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ना, ये मैं बोलूंगी कि थोड़ा वो वाला प्रोफेशन मुझे लगता है लाइक नो इसमें वायलेंस वाला. हाँ, जैसे उन्होंने एक बंदा भी जो है मार दिया. जैसे जब मैंने ये वाले जब टाइम आया ना, मतलब ये वाली बात सुनी कि बंदा मार दिया, दिल को एकदम से कुछ अच्छा. वैसे यहाँ पे मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि जैसे गेम के दौरान उनसे जो है वो बंदा जो है वो मर गया, लेकिन जो कंपनी थी उन्होंने जो है उसके घर वालों को एक अमाउंट पे की. कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना पहले से सारी चीजें, वो आपकी बात सही है. लेकिन देखे ना फॉर एग्जाम्पल जैसे गेम में जैसे उनकी डेथ हो गई है तो उन्हें जो है इंश्योर्ड किया गया है पीछे उनके घर वालों को, तो ये चीज में बहुत अच्छी लगी. तो जितने भी रेसलर्स होते हैं इन सबकी इंश्योरेंस हुई होती है कि इन केस अगर डेथ हो जाती है तो फिर उनके घर वालों को कंपनसेट किया जाए. बट फिर भी मैं ये बात बोलूंगी कि पैसों से वो चीज वापस वो इंसान नहीं आता, तो ये बहुत एक खतरनाक प्रोफेशन है. प्लीज ज्यादा से ज्यादा जो यंगस्टर्स है वो कोशिश करें कि वो कोई जॉब कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर्स बन जाए, लॉयर्स बन जाए, लेकिन रेसलिंग में बच जाए. क्योंकि सीरियसली घर वालों को भी जरूरत है ना पैसों से. आप हर चीज खरीद सकते हो लेकिन वो रिश्ता है वो इंसान नहीं खरीद पाता. बिल्कुल. तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो. हम लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत एक डिफरेंट चीजें हम लोगों को जानने की मिली द ग्रेट खली के बारे में. एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा. और इसी के साथ अब हमें इजाजत, हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कीप अस इन योर प्रेयर्स. टिल देन, गुड बाय.